92.7 Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल्स डे. हर कोई एक दूसरे को बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, लेकिन आज 92.7 बिग एफएम पर हम कह रहे हैं बनो फूल प्रूफ. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज के जो मेरे बिग हीरो हैं वो सिर्फ 1 अप्रैल को नहीं, बाकी 364 दिन भी कंज्यूमर्स से कहते हैं कि देखो भाई, जागते रहो, बेवकूफ मत बनो. इनका नाम है प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, और ये पिछले 34 सालों से कंज्यूमर अवेयरनेस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं अपनी संस्था कंज्यूमर वॉइस के जरिए. वैसे तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं, लेकिन पिछले 34 साल से इनका मकसद है कंज्यूमर्स को जगाते रहना. प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो बिग हीरोज में. नमस्कार सर. चाहूंगी सबसे पहले आप बताएं हम लोगों को कि कंज्यूमर वॉइस क्या करती है. देखिए, कंज्यूमर वॉइस कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो भी साधन है उनको इकट्ठा करके, मुहैया करके, वो कंज्यूमर्स की मदद करती है गाइडेंस से, इंफॉर्मेशन से और एडवाइस से. गाइडेंस होती है ज्यादातर, हम एक मैगजीन पब्लिश करते हैं मंथली, इसका नाम है कंज्यूमर वॉइस, हिंदी और इंग्लिश में वो छपती है. इसमें हम डिफरेंट कंज्यूमर इश्यूज को स्टोरीज के रूप में पेश करते हैं. इसमें हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के टेस्ट को भी छापते हैं, ब्रांड बाय ब्रांड रेटिंग देते हैं, और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के भी एरियाज में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश करते हैं. कंज्यूमर लॉ के प्रॉब्लम्स को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक कंज्यूमर जो इसको पढ़ता है वो एक जागरूक कंज्यूमर बन सके. ये है हमारी मेन एक्टिविटी. इसके साथ साथ कंज्यूमर वॉइस का जो हेल्प डेस्क है उसमें फुल टाइम काउंसलर्स हैं, जो कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स पे गाइड करने के लिए सुबह से शाम तक अवेलेबल रहते हैं. तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम करते हैं जी. और ये जो लड़ाई हमारी है 34 साल से चली आ रही है, और अभी तक जो हमने काम किया है वो हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है, क्योंकि इतना बड़ा देश है और हमारे सीमित साधन हमें मौका नहीं देते और कुछ इससे ज्यादा से बढ़ के करने का. पर करने की जो हमारी तात्पर्यता है और हमारा विश्वास है वो कायम उतना ही है जितना 34 साल पहले था. कितनी बढ़िया बात कही प्रोफेसर श्रीराम खन्ना आपने, और मैं तो चाहूंगी आपका उत्साह हमेशा ऐसे ही बरकरार रहे, और आज आप हमारे लिसनर्स को गाइड भी करें कि कैसे वो बन सकते हैं फूल प्रूफ. 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और मेरे बिग हीरो हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, जो बनते हैं कंज्यूमर की आवाज. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. बिग हीरोज आज यानी 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल्स डे को, चाहे कितना भी फूल बन लीजिए, फूल बना लीजिए, लेकिन बाकी साल आपको रहना चाहिए फूल प्रूफ. 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरे बिग हीरो हैं वो पिछले 34 सालों से साल भर इसी कोशिश में रहते हैं कि हम जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें कोई भी कंपनी फूल ना बना पाए. इनका नाम है प्रोफेसर श्रीराम खन्ना, और इनकी संस्था का नाम है कंज्यूमर वॉइस. प्रोफेसर खन्ना, आज अप्रैल फूल्स डे है. बहुत लोग एक दूसरे को हंसी मजाक में तो ठीक है बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई बनो फूल प्रूफ, और इसीलिए आप आज हमारे बिग हीरो बने हैं. तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर ज्यादा बड़ी संख्या में कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाया जाता है. आप एक दिन अप्रैल फूल खेलते हैं, परंतु बाजार में जो दुकानदार और जो मैन्युफैक्चरर्स करोड़ों रुपया का पूंजी लगा के बैठे हैं, ये रोज ही अप्रैल फूल डे खेलते हैं, और इनकी ताक ये ताक में रहते हैं कि कैसे कंज्यूमर का पैसा उसकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाला जाए. सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स को जो चपत लगाई जाती है वो होती है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, और ऐसे प्रोडक्ट्स में जहां पर कंज्यूमर एक ब्रांड और दूसरे ब्रांड के फर्क को समझ नहीं पाता है. उदाहरण के तौर पर जितने भी मैकेनिकल प्रोडक्ट्स हैं, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, आप उधर चले जाइए टेलीफोन्स और दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कंज्यूमर यूज करता है, लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स. जब आप फल और सब्जी खरीदते हैं तो आप उसको छू के सूंघ के देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा फ्रेश है, परंतु ये हम ऐसे प्रोडक्ट्स में नहीं कर सकते जो टेक्निकली एडवांस हो और जिनकी इंजीनियरिंग ऐसी हो जो बिना टेस्टिंग के उसको हम समझ नहीं पाते.
दूसरा है हाउसिंग एंड फाइनेंस, कि भी आप जब अपना फ्लैट खरीदने जाते हैं, बिल्डर के पास जाते हैं, तो सारा सब्ज बाग को दिखाता है, और जब 2-3 साल निकल जाते हैं EMI देते हुए, तो पता लगता है साहब ना बिल्डिंग खड़ी हुई है ना जमीन है, और आप फंस गए, अब आपने अपनी जीवन की पूंजी लगा दी। तो ये दूसरा एरिया है जहाँ बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। तो स्मार्ट कंज्यूमर वो होता है जो इनके चंगुल में ना फंस पाए। खरीदने से पहले उसके पास इतनी जानकारी होनी चाहिए कि दोबारा कि वो उसको वैसे मामले में फंसने का मौका ही ना मिले। तो तीसरा एरिया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस भी आता है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें यदि आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं है तो आपके पैसे फंसेंगे, क्योंकि जब तक आपको ए बी और सी का फर्क नहीं पता लगेगा, तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि कौन से ब्रांड के साथ, कौन से प्रोडक्ट के साथ, कौन से मॉडल के साथ मेरा भविष्य सुरक्षित है। तो ये तीन मोटे रूप में प्रॉब्लम एरियाज हैं जहां कंज्यूमर की हजामत बनती है। जी, तो ये हजामत ना बने इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये मैं पूछूंगी प्रोफेसर श्रीराम खन्ना से। और साथ ही एक और एरिया, ऑनलाइन शॉपिंग भी एक ऐसी जगह जहां पर बहुत कंज्यूमर्स बेवकूफ बन जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए, ये सारी बातें होंगी आज बिग हीरोज में मेरे यानी रिचा अनुरुद्ध के साथ। और मेरे बिग हीरो वो हैं जो देते हैं एक कंज्यूमर को वॉइस और बनाते हैं उन्हें फूल प्रूफ, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। अप्रैल फूल्स डे पर 92.7 बिग FM पर हम कह रहे हैं बनो फूल प्रूफ, और सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आपको फूल प्रूफ बनने के तरीके भी बता रहे हैं। आप सुन रहे हैं बिग हीरोज, मैं हूं आपके साथ रिचा अनुरुद्ध, और आज के जो मेरे बिग हीरो हैं वो पिछले 34 साल से कंज्यूमर को बेवकूफ बनने से बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं कंज्यूमर वॉइस के जरिए, प्रोफेसर श्रीराम खन्ना। प्रोफेसर खन्ना, आजकल एक और जगह है जहां पर बहुत ज्यादा कस्टमर्स, कंज्यूमर्स कई बार परेशान होते नजर आते हैं, वो है ऑनलाइन शॉपिंग। कुछ सामान मंगा लिया लेकिन वो सामान खराब निकला, कई बार वेबसाइट से संपर्क नहीं हो पाता, कोई फोन नंबर नहीं, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं, तो इस तरह से फूल बनने से कैसे बचें? देखिए, जो कंज्यूमर का राइट है ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक ही है, सिर्फ फर्क एक ही है कि जब कंज्यूमर ऑनलाइन खरीदता है तो उसको ये देख लेना चाहिए कि ये ऑनलाइन है, मार्केट प्लेस है, इसमें वेंडर कौन है, इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसका टेलीफोन नंबर क्या है, और उसकी जो ई कॉमर्स की साइट है उसकी रिफंड पॉलिसी क्या है, रिपेयर और रिफंड पॉलिसी क्या है, पहले उसको समझे। ये नहीं कि देखते ही अपना क्लिक करा और खरीद लिया और जल्दबाजी में खरीदा और बड़ी आसानी से आराम से बैठ के उसके बारे में परेशान हुए। तो उसी वेबसाइट से खरीदे जिसकी रिफंड और रिटर्न्स पॉलिसी जो है, रिपेयर पॉलिसी है, वो क्लियर है कि भाई अगर आपको पसंद नहीं है तो हम इसको एक्सचेंज कर देंगे, ऐसी से खरीदे, नहीं तो खरीदे ही मत। और दूसरा, अगर आपको पता है कि इसकी वेंडर कौन है या इसकी ई कॉमर्स की साइट का एड्रेस क्या है, तो आप इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मली हमारे एसोसिएशन के पास जो लोग आते हैं, पहले हम इसको मीडिएशन में डालते हैं। दिल्ली में करीब 11 मीडिएशन सेंटर्स हैं, हम एक आते हैं उसको ले जाएंगे और मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे। अगर मैन्युफैक्चरर वहां नहीं आएगा तो फिर कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ेगा। और आज की तारीख में संसद जो चल रही है उसमें एक बिल जो है वो विचाराधीन है, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015, जिसके मार्फत से ये ऑफलाइन ऑनलाइन जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोल्यूशन कंज्यूमर कोर्ट आसान कर देंगे। अच्छा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, परंतु घबराने की बात नहीं है। जो बड़ी साइट्स हैं, जो अच्छी चलने वाली साइट्स हैं, उनकी रिफंड और रिपेयर्स की और रिटर्न्स की पॉलिसी ठीक है और वो नॉर्मली कर भी देते हैं, और जो नहीं करते हैं फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। और ये समझ लीजिए, आप अगर नागरिक हैं तो आपके घर पे कोई न्याय देने आएगा नहीं मिठाई के डिब्बे में। आपको अपने अधिकार के लिए स्वयं आवाज उठानी पड़ेगी और खुद लड़ना पड़ेगा उसको लेने के लिए। ये तो बिल्कुल सही बात कही प्रोफेसर खन्ना ने, अपने अधिकारों के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में वो कैसे हमारी मदद कर सकते हैं, पूछूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, मैं हूं रिचा अनुरुद्ध, मेरे बिग हीरो हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना कंज्यूमर वॉइस से। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज, बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर
बिग हीरोज, बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिच अनुरोध, और आज अप्रैल फूल्स डे पर 92.7 बिग एफएम पर हम यही मैसेज दे रहे हैं, बनो फूल प्रूफ। और यही मैसेज पिछले 34 साल से देते आ रहे हैं मेरे बिग हीरो प्रोफेसर शिवराम खन्ना अपने ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर वॉइस के जरिए। प्रोफेसर खन्ना, आखिर में कुछ बेसिक टिप्स जो आप हमारे सारे लिसनर्स को देना चाहेंगे ताकि हम बन सकें फूल प्रूफ। कई इंडिविजुअल्स जो हैं वो अकेला लड़ नहीं पाते हैं, उनको रास्ता नहीं मालूम है, कहाँ जाएं, क्या करें, क्या कहें। उसके लिए हमारी संस्था जो है उसने कंज्यूमर वॉइस हेल्प डेस्क खोला हुआ है, जिसमें हमारे पास फुल टाइम काउंसलर्स हैं जिनसे आप टेलीफोन पे बात कर सकते हैं। एक टोल फ्री नंबर है 1811 50 40, जिसपे आप ऑफिस आवर्स में फोन करके उनसे बात कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, और consumer-voice.org की वेबसाइट पे जाके अपनी जो आपकी क्वेरी है उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो सर, आज अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ बेसिक टिप्स आप हमारे सारे लिसनर्स को देना चाहेंगे ताकि बहुत आसानी से हम लोगों को बेवकूफ ना बना सके कोई कंपनी। देखिए, पहले तो जल्दबाजी में कुछ मत खरीदिए। जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, आपकी सेहत के लिए है, आपकी आपकी बॉडी के लिए है, आपके घर के लिए है, आपकी सुविधा के लिए, देख लें और उसमें समय स्पेंड करें, स्कैन करें डिफरेंट ब्रांड्स के उनके फीचर्स को, और जो मोटे फीचर्स आपको चाहिए उनको कंपेयर करें एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड, और अगर उसकी कोई टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है तो उस टेस्ट रिपोर्ट को आप देखें। और कई बार मैन्युफैक्चरर्स भी अपने टेस्ट कराते हैं परंतु वो उसको बायस तरीके में बताते हैं, वो भी देख सकते हैं। अच्छा, नंबर दो, जो दूसरे लोग उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद अपने रिव्यूज लिखते हैं ऑनलाइन, आप उसको सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको देखना है कि इस ब्रांड के साथ क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है तो आप गूगल करिए ब्रांड का नाम, फ्रॉड या चीट, और जितनी भी शिकायतें हैं वो आपको लिस्ट में आ जाएंगे जो ऑनलाइन आपको मिलेंगी। तो लाजमी है कि जिस ब्रांड के खिलाफ शिकायतें हैं इसका मतलब है वहां मामला है गड़बड़, तो आप उसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं। और देखिए, स्मार्ट कंज्यूमर कौन होता है? जो फुल प्रूफ कंज्यूमर वो होता है जो अपने राइट्स को पहचानता है और अपने पास जो उसके विकल्प हैं उनको समझता है। जो कंज्यूमर के राइट्स हैं, उसकी जो राइट्स हैं, उसको जानकारी का लेने का अधिकार, उसको सुनवाई का अधिकार, और अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार। तो फुल प्रूफ तब बनेंगे जब आप जागरूक होंगे, जागरूक तब होंगे जब आप जो आपके हथियार आपके पास अवेलेबल हैं वो आप अपने पॉकेट में लिख कर रख कर चलेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज 20 अप्रैल फूल बन लो, पर बाकी 364 दिन अगर आप फूल बने तो ये 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेवकूफी आपकी होगी अपने आप को बचाने के लिए। आप स्मार्ट कंज्यूमर बन के और फूल प्रूफ कंज्यूमर बने, ये मेरे आपके सुनने वालों के लिए कहना है। थैंक यू सो मच सर। जागो ग्राहक जागो। थैंक यू। बिल्कुल, जागो ग्राहक जागो और बनो फूल प्रूफ अप्रैल फूल्स डे पर। बेशक हंसी मजाक में फूल बनना इज ओके। इसी के साथ आज बिग हीरोज में रिच अनुरोध को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज।